Hello students, welcome back. Today we will continue with chapter number 4, that is moving charges and magnetism. Today we will study a very important topic, that is cyclotron. Okay, so let's begin. Cyclotron. Now first let's see what is the use of cyclotron. Cyclotron, that is a machine used to accelerate charged particles. Okay, or ions. Okay, so cyclotron used to accelerate charged particles or ions to high energy. Okay. तो मतलब साइक्लोट्रॉन का यूज क्या है, इसका यूज है टू एक्सीलरेट द चार्ज पार्टिकल्स. ओके, इट यूजेस बोथ, रिमेंबर इट यूजेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट, इन कॉम्बिनेशन. इट यूजेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ charged particles. Okay, and as the fields are perpendicular, electric field or magnetic field dono perpendicular hoti hai, iski wajah se hum usko bolte hain crossed field. Okay, they are called as crossed fields because electric field and magnetic field both are perpendicular. Clear? तो यूज याद रखना, साइक्लोट्रॉन का यूज क्या है, टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स. क्लियर? नाउ लेट्स सी द प्रिंसिपल. उसका प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एनर्जी. के फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी. दिस इज द प्रिंसिपल. ओके, मीन्स हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो क्या होता है, उसका मोशन कैसा होता है, सर्कुलर मोशन. मतलब यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ले लूँ, ओके, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर. अब इस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी तो उसका रेडियस बढ़ेगा, मतलब अब वो इस रेडियस में आएगा, राइट. तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम. फ्रीक्वेंसी उसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी. मतलब एक सेकंड में अगर ये एक चक्कर लगाता है उसकी एनर्जी बढ़ेगी. अब ये एक चक्कर आया तो उसके भी एक ही सेकंड होगा, मीन्स द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम. अगेन इफ यू आर इंक्रीजिंग द एनर्जी, ओके, इट्स रिवॉल्यूशन द साइज ऑफ द सर्कुलर मोशन सर्कल विल increase, but still the time taken to complete one circle will remain same. तो इसी principle पे cyclotron काम करता है. Charge particle की energy हम increase करेंगे तो उसकी वजह से जो circular motion होगा उसका radius बढ़ेगा, लेकिन time taken to complete one circle, that is the periodic time, will remain same, right? The charge particle here is made to move in a circular path using magnetic field and accelerated due to electric field. ये हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल आएगा तो क्या आएगा, सर्कुलर मोशन. अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसकी एनर्जी बढ़ाएगी, राइट. मतलब एनर्जी कम होगी तो सर्कल छोटा होगा, अगर एनर्जी ज्यादा होगी साइज ऑफ द सर्कल विल इंक्रीज. So for every circle, its energy is increased by electric field. Okay, तो याद रखना, magnetic field के लिए क्या होता है,
चार्ज पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर मोशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल क्या है, इट इंक्रीजेस द एनर्जी। ओके रिमेंबर दिस, सी नाउ हाउ एनर्जी इज इंक्रीज। सपोज अ पार्टिकल इज हैविंग दिस सर्कुलर मोशन, ओके इफ इट इज द पीरियडिक टाइम इज 1 सेकेंड, टी इक्वल टू 1 सेकेंड, राइट। सो फॉर दिस द वेलोसिटी वी कैन राइट डाउन द डिस्टेंस कवर्ड इज 2 पाई आर। बट नाउ इफ एनर्जी इज इंक्रीज देन इट्स सर्कुलर मोशन विल इंक्रीज। नाउ लेट से इट इज हैविंग अ बिगर सर्कल, मीन्स नाउ दिस इज द रेडियस। ओके पीरियडिक टाइम अगेन इट विल रिमेन सेम बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज सेम। ओके सो द टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस 1 सर्कल इज सेम। तो अभी डिस्टेंस बढ़ गया बिकॉज रेडियस इज इंक्रीज, सो द डिस्टेंस इज 2 पाई आर, सो द वेलोसिटी इज इंक्रीज, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर इज इंक्रीज। ओके सो दिस वॉज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। नाउ लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन, नाउ सी साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 सेमी सर्कुलर हॉलो मेटालिक सिलेंडर। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक हॉलो, ये सिलेंडर और ये दूसरा वाला, राइट। ये दो हॉलो सिलेंडर, सेमी सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, एंड वी कॉल दिस एज डीज। ओके वी कॉल दिस सिलेंडर एज डीज बिकॉज इट इज ऑफ डी शेप। ओके दिस डी शेप्स आर अरेंज सच दैट द सर्फेस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट्स। ओके दिस डॉट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, अंदर से बाहर निकलती हुई डायरेक्शन में है, राइट, बिकॉज इट इज डॉट। सो सी दिस इज द डायरेक्शन एंड द डी बोथ आर, दिस इज द डी, सो बोथ आर परपेंडिकुलर, क्लियर। तो मतलब डी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर है। नाउ दिस डी आर कनेक्टेड टू ऑसिलेटर्स, एसी ऑसिलेटर, आई विल से इट एज ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके तो ये क्या होगा, ये ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्लियर। मतलब देखो, या अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा ये नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, राइट, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो बीच में जो गैप है उस गैप में आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, अंदर से बाहर आती है, तो ये फिर से हो गई परपेंडिकुलर। सो रिमेंबर द डीज आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड द ऑसिलेटर कनेक्टेड दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके हमने ये सबसे पहले ही देख लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो यू कैन कंपेयर द अदर साइड व्यू ऑफ दिस फिगर। ओके दिस आर द डीज, दिस इज आई विल से D1 एंड दिस ब्लू कलर D2। ओके दिस लाइन दैट यू आर सीइंग कमिंग आउटसाइड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। ये जो सर्कुलर मोशन है वो चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर मोशन आएगा। ये जो बीच में लाइंस दिख रही है ये वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइन है, राइट। ऑसिलेटर यहाँ पे कनेक्टेड है, देखो ये ऑसिलेटर है। ओके नाउ सी एसी ऑसिलेटर, एसी करंट में क्या होता है, करंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस, राइट। मतलब एक सर्कल में दो बार डायरेक्शन चेंज होगी। सपोज इफ द करंट इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, देन आफ्टर इट इज मूविंग इन अनदर वे, देन मींस इफ दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, फॉर द नेक्स्ट हाफ टाइम इंटरवल दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी चेंजिंग इट्स डायरेक्शन फ्रीक्वेंटली। ओके तो एक बार ये डायरेक्शन हो गई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होती है, तो दूसरे हाफ इंटरवल में ये डायरेक्शन होगी, क्लियर। सो दिस इज द फिगर ऑफ साइक्लोट्रॉन, क्लियर। नाउ लेट्स सी द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। ओके नाउ फॉर वर्किंग, सी हियर दीज आर द टू डीज। ओके नाउ
चार्ज पार्टिकल दैट इज टू बी ऑसिलेटेड इज पुट इन द गैप बिटवीन टू डीज, बराबर। जो चार्ज पार्टिकल जिसको हम एसिलेट करना है वो दो डीज की गैप के बीच में रखेंगे, क्लियर। डॉट्स दैट मीन्स इट इज द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो डॉट दिए इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी बाजू है, बाहर निकलती हुई है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कमिंग आउटसाइड ऑफ दिस प्लेन, ओके। नाउ इट इज कनेक्टेड टू एसी ऑसिलेटर, तो चलो समझ ले यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, ओके। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन होगी। तो हमने ये ले लिया कि ये जो चार्ज रखा है दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज व्हाट विल हैपन, इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लियर। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल मूव होगा तो कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर। तो ये यहाँ पे सर्कुलर मोशन होगा, राइट। तो जब ये यहाँ पे आएगा गोल घूम के यहाँ पे, तो उस टाइम पे एसी ऑसिलेटर में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब अब ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। सो व्हाट विल हैपन, नाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स, नाउ सी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिवर्स्ड व्हेन द चार्ज पार्टिकल रीच एट दिस पोजिशन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स। सो नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, सो दिस प्लेट विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, सो नाउ दिस विल एक्सपीरियंस फोर्स। सो व्हाट विल हैपन, दिस पार्टिकल विल एक्सीलरेट, एंड एज इट विल एक्सीलरेट इट्स एनर्जी इंक्रीजेस, सो द सर्कल विल बी बिगर दिस टाइम, ओके। नाउ व्हेन इट रीच एट दिस पोजिशन अगेन द डायरेक्शन ऑफ दिस एसी करंट विल चेंज, सो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, सो दिस बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस बिकम नेगेटिव। So now again the direction of electric field is in this way. So now this will be accelerated. Now due to acceleration it will acquire energy and due to that again its length of the circle is increased. तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन, सर्कुलर नहीं स्पायरल हो जाएगा। जब भी वो बीच की गैप में एंटर होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल हैव एक्सेलरेट, इट विल बी एक्सेलरेटेड, और एंड में यहाँ पे प्रोजेक्शन दिया जाएगा तो उससे ये चार्ज पार्टिकल इट कैन बी एक्सेलरेटेड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ओके। देन इट कैन बी बॉम्बार्डेड टू द डिजायर्ड प्लेस, क्लियर। नाउ द पीरियोडिक टाइम फॉर सर्कुलर मोशन इज टी इक्वल टू 2 पाई m/cv, मतलब एक पीरियड में कितना टाइम लगेगा, 2 पाई m/cv, वेयर m मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, Q इज द चार्ज और B मैग्नेटिक फील्ड, और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला हमने कल डिराइव की थी, Qb/2 πm, क्लियर। ये हो गई फ्रीक्वेंसी और ये 1/f, ये पीरियडिक टाइम 2 πm/qb, ओके। सी जब जब अप्लाइड वोल्टेज, मतलब एसी और ऑसिलेटर का वोल्टेज है अप्लाइड वोल्टेज, और साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, मतलब ये सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी, ये जब दोनों सेम हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस कंडीशन, ओके। व्हेन कैन वी कॉल इट एज रेजोनेंस कंडीशन, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ओके। देन वी विल कॉल इट एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस कंडीशन, क्लियर। और जो एनर्जी है 1/2 mv², इस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी 1/2 mv² दैट विल बी इक्वल टू q²b² r/2 m, क्लियर। तो मतलब ये फॉर्मूला याद रखने की, साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल का पीरियोडिक टाइम 2 πm/qb और एनर्जी q²b² r/2 m, ये एनर्जी कहाँ से आई, तो ये हमने कल डिराइव की थी,
सेंट्रीपिटल फोर्स दैट वाज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, राइट? सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी, क्लियर? तो वी क्या, वी की फॉर्मूला क्या आ जाएगी, वी इज इक्वल टू क्यू बी आर बाय एम, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या आएगा, 1 बाई टू एम, ऊपर रखा वी स्क्वायर की जगह पे क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम स्क्वायर एम गेट्स कैंसल, सो हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर, सॉरी हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी. ओके, सो दिस यू विल बी यूजिंग इन द न्यूमेरिकल्स, अगर आप भूल जाए तो यहां से डिराइव कर देने की, क्लियर? So this was about working of cyclotron. I am repeating, the charged particle is placed in between the gap. Due to electric field, it will be accelerated. Due to magnetic field, it will have circular motion. When it comes back again in this gap, at that time, the direction of electric field is changed due to AC oscillator. So it will again accelerate. So the motion or circular motion, its radius will increase. And this process continues. Okay, this is the working of cyclotron. Now let's see the limitation of cyclotron. Okay, so limitation of cyclotron. First, it cannot accelerate uncharged particle. Right, it cannot accelerate uncharged particle. देखा यहाँ पे हमको चार्ज पार्टिकल ही लेना चाहिए, राइट? क्योंकि अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन्स विल हैव नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? मतलब वो एक्सीलरेट नहीं हो सके, और अनचार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा. सेकेंड, देर इज अ लिमिट ऑफ स्पीड. ओके, देर इज अ लिमिट ऑफ स्पीड beyond which a charged particle cannot be accelerated. Okay? मतलब थोड़ी लिमिट है, उससे ज्यादा स्पीड हम चार्ज पार्टिकल को नहीं दे सकेंगे. So there is a limit of speed beyond which the charged particle cannot be accelerated. And it cannot accelerate electrons. Reason, charge to mass ratio electrons का बहुत ज्यादा है. So cannot accelerate electrons because the ratio of charge to mass is very high for electrons. Okay, last, it cannot produce high energy particles with energy of order of 500 MeV, right? Cannot produce highly energetic particles with energy of the order of 500 MeV. Right, so these are the limitation. Cannot accelerate uncharged particle. There is a limit of speed beyond which the charged particle cannot be accelerated. It cannot accelerate it. Cannot accelerate electrons because the charge to mass ratio is very high for them. So due to that, they cannot remain in the phase in the field. And the last, it cannot produce highly energetic particles with energy of the order of 500 MeV. Yeah. So this was about the limitation of charge. Sorry, limitation of cyclotron. Yeah. Okay, students. So that's it for today. Thank you.